भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना, अग्निपथ के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को कई अहम घोषणाएं की हैं। सबसे अहम घोषणा में सरकार ने कहा है कि असम राइफल्स सहित सभी अर्धसैनिक बलों यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में होने वाली भर्तियों में 10% सीटें अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए रिजर्व होंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय कार्यालय के ट्विटर हैंडल से इस बारे में कई ट्वीट किए गए हैं। माना जा रहा है कि अग्निपथ के विरोध में चल रहे उग्र प्रदर्शन को शांत करने के लिए ये घोषणाएं की गई हैं। गृह मंत्रालय ने इसके अलावा इन बलों में भर्ती के लिए पहले से तय उम्र सीमा में अग्निवीरों को 3 साल की छूट देने का फैसला किया है। हालांकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए उम्र में छूट की है सीमा 5 सालों की होगी। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ के विरोध में युवाओं का उग्र प्रदर्शन देश के कई राज्यों में चल रहा है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के 4 जिलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसके तहत 260 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। समाचार एजेंसी ANI ने राज्य पुलिस के हवाले से जारी एक अधिसूचना में बताया है कि सबसे ज्यादा 109 लोगों की गिरफ्तारी बलिया जिले से हुई है। उसके बाद मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी में 27 और गौतम बुद्ध नगर में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया गया है कि वाराणसी में सबसे ज्यादा 3 मामले और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। इस हफ्ते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया था। इस योजना के तहत सेना में अब 4-4 साल के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी, साथ ही उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। इस योजना का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड और राजस्थान में भी कड़ा विरोध हो रहा है।